हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट अ कैनेडियन सिम फ्रॉम इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बहुत लोगों को स्ट्रेस होता है कि कनाडा आने के बाद अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स को कैसे कांटेक्ट करें। तो इस स्ट्रेस से बचने के लिए आप इंडिया में ही एक सिम परचेस कर सकते हैं, कैनेडियन सिम, वो भी बिना एडिशनल चार्जेस के। और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैंने भी इंडिया में ही एक सिम कार्ड खरीद लिया था यहाँ का, क्योंकि आने के बाद मुझे भी अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट करना था और सिम पहले से होने के कारण इजी हो जाता है कांटेक्ट करना अपने फ्रेंड्स को। तो आपके पास दो ऑप्शन है इंडिया से ही सिम परचेस करने के। एक है कैनेडियन इमिग्रेशन। जब आप VFS के ऑफिस जाते हो पासपोर्ट सबमिशन के लिए, तब वहाँ पे आपको एक सिम परचेस करने का ऑप्शन मिल जाता है। वो एक लोकल नेटवर्क है कनाडा का, पर उनके ऑप्शंस, उनके प्लान्स उतने अच्छे नहीं है। और दूसरा आता है फाइडो। तो फाइडो एक ऐसा नेटवर्क है जो स्टूडेंट्स को और विजिटर्स को इंडिया में ही एक सिम खरीदने का ऑप्शन देता है। और इसके प्लान्स मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि ये $40 में 20 GB इंटरनेट प्लस कैनेडा वाइड कॉलिंग भी देता है साथ में। और इसके साथ एक और बेनिफिट आता है, वो है इंटरनेशनल कॉलिंग। तो आपको 1000 मिनट मिलते हैं इंटरनेशनल कॉलिंग के। आप कनाडा से इंडिया, UK, बांग्लादेश, मेक्सिको कॉल कर सकते हैं बिना कोई एडिशनल चार्जेस के। तो ये प्लान मेरे हिसाब से बहुत ही सही है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर मैं ये दूसरे नेटवर्क से कंपेयर करूँ तो ये प्लान काफ़ी सस्ता है। और इंडिया में ही आपको एक सिम कार्ड मिल जाता है पहले से ही, और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और अगर मैं दूसरा नेटवर्क लेता हूँ तो वहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम एक्टिवेशन फीस $45-50 की देनी होगी, पर फाइडो में वो पूरा वेव ऑफ हो गया था। और ये नेटवर्क बहुत ही रिलायबल है क्योंकि ये रॉजर्स के अंदर आता है। तो मेरे रूममेट्स अमन और गौरव के पास भी फाइडो का नेटवर्क है। अब अमन देता है $50 8 GB के लिए और गौरव देता है $40 8 GB के लिए। ये इसीलिए है क्योंकि इन्होंने एक साल पहले एक फ़ोन भी लिया था और ये कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो अब ये प्लान चेंज नहीं कर सकते जब तक वो अपना फ़ोन का अमाउंट पे ऑफ ना करे। अगर आपको ये प्लान चेंज करना है तो आप एक बार कनाडा आके कोई भी फाइडो के आउटलेट पर जाके प्लान चेंज करा सकते हैं, या आप ऑनलाइन लॉग इन करके भी प्लान चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपग्रेड करना है या कोई मोबाइल फ़ोन ऐड कराना है कॉन्टैक्ट में, तो अभी भी आप करा सकते हैं ये सब। और अगर आपको ये प्लान अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरे नेटवर्क में जा सकते हैं, क्योंकि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं है फाइडो के साथ। एक बार मैं अपना करंट प्लान आपको शो कर ही देता हूँ। एवरी मंथ $40 प्लस टैक्स, तो 45-20 होता है मेरा टोटल, वो पे कर रहा हूँ मैं। अगर आपको फ़ोन लेना है कॉन्ट्रैक्ट में तो आप अपग्रेड कर सकते हो इससे। आपको और इंटरनेट चाहिए या कुछ और प्लान्स में एडजस्ट करना है तो आप प्लान भी चेंज कर सकते हो। तो मैं एक बार अपना मंथली प्लान बता देता हूँ मैं क्या पे कर रहा हूँ। तो ये रहा मेरा, तो गाइस ये है मेरा बिल। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, 20 GB इंटरनेट मिल जाता है, कनाडा वाइड कॉलिंग है, 1000 मिनट इंटरनेशनल कॉलिंग, आप इंडिया अपने घर भी फ़ोन कर सकते हो बिना कोई एडिशनल कॉस्ट के। तो जैसे कि $3 और ऐड किया है, फिर सब्ट्रैक्ट भी किया है, तो टोटल चार्जेस था $40 होते हैं मेरे, प्लस जो $5.20 है वो है टैक्स। और जो फर्स्ट मंथ की एक बार पेमेंट मैं बता देता हूँ आपको। ये रहा बिल। तो फर्स्ट मंथ मैंने पे किए थे $46.82 82।
ओके, तो फर्स्ट मंथ मैंने पे किए थे 4682। तो जैसे कि मैंने वो साइट बता दी है जहाँ पे आपको सिम कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा, आप 1 महीने पहले अप्लाई कर लीजिए। वैसे तो 5 बिजनेस डेज में आ जाता है सिम कार्ड, पर पहले लेके रखना सेफ है। और ये सिम कनाडा आने के बाद ही एक्टिवेट कीजिएगा, वरना आपको $15 पर डे के चार्जेस पे करने होंगे अगर आप इंडिया में ये सिम खोल लेते हैं तो। अब सबका एक ही क्वेश्चन रहेगा कि क्या मैं कनाडा आने के बाद एक आईफोन ले सकता हूँ या नहीं। तो मेरा आंसर है जी हाँ, आप ले सकते हैं। आपको यहाँ आके अपना क्रेडिट कार्ड इशू कराना होगा अपने स्कॉशिया बैंक से, और उसके बाद आप 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे एक फ़ोन ले सकते हैं, या आप डायरेक्टली फ़ोन का अमाउंट पे करके भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करें।